आज संडे है, आपका दिन भी अच्छा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी तहज्जुद का टाइम है, मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है सुबह 4 बजे से, और यही वक्त रहता है जब आप अल्लाह से बात कर सकते हैं तहज्जुद का। और ये नमाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं 1 घंटा जगती हूँ और फिर उसके बाद में फजर की पढ़ के सो जाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसम लोग, आई होप यू फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अच्छी हूँ। और आज संडे का दिन है, तो आज है सुल्तान, बहुत सारी मस्ती करने वाला सुल्तान ने मेरा चार्जर हटा दिया। देखो चार्जर हटा दिया, और ये देखो, और ये हमारे हस्बैंड जी आ चुके हैं नाश्ता लेके हमारे लिए, तो हम नाश्ता करेंगे आज आपके लिए। लेकर ले आए मेरे, तो इलियाना सुबह सुबह एंजॉय ले रही नाश्ता करने के बाद। लेजी लाइक इलियाना, झूले पे खूब मजा आ रहा है इलियाना को। झूला दूँ आपको, देखो कितना मजा आ रहा है इलियाना को, और हमारी रानी भग चुकी है। बस आज संडे है, तो सुल्तान ने नहा धो लिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, शूज पहन लिया है, तो वो बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे रोड पे साइकिलिंग करने, तो बस वो साइकिलिंग करने जा रहा है। साइकिलिंग करने के बाद मैं आएगा। मैंने कहा संडे आज तो मैं आपके लिए इडली सांभर बना रही हूँ, तो इडली सांभर यहाँ पर बन रही है। सॉरी मेरे को खांसी हो रही है, मीठी नहीं रही खांसी, तो जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं। पूरी प्रिपरेशन आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत इजी मेथड है बताने का, लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी मैंने टमाटर और प्याज काट रही हूँ, पर पहले उसको कट कर लेते हैं। वो जाने नहीं चाह रहा हो रानी, बाय टाटा रानी, जा रहे हो के बेटू आप, उसको तो गुस्सा आ रहा हूँ, आवाजें निकल गई इसकी तो। बाय चप्पू, बाय 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 बाय। तो यहाँ पर जितनी बनानी मैंने तुअर दाल डाल दी है वो येलो वाली, और उसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है और गेदार ऐड कर दिए, आपके पास जो वेजिटेबल है वो ऐड कर सकते हैं। तो इडली बनाने के लिए मैंने सूजी दही नमक को पानी के साथ फेंट लिया है, अच्छा बैटर बना लिया, उसको ढक के रख दिया है, और है ना ग्रीस करके मतलब ऑयल लगा के सांचे में डाल के उसको ढक दिया है मैंने 10 मिनट के लिए, सीटी लग जाएगी उसमें। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ना बघार के लिए ऑयल ऐड किया है, उसमें सौंफ डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, राई डालूंगी, जो खड़ी लाल मिर्च आती है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं प्याज कट करके डाल दिए, अब इसके अंदर ना टन आती है टमाटो डालने की, तो टमाटो डालें आप खटाई के लिए, और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ना इमली का पेस्ट भी डाला है। और यहाँ पर मैंने दाल पूरी घुट चुकी है, घुट के इसके अंदर डाल दी है, और हमारी इडली बन के एकदम रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म, टेस्टी लग रही है। तो तो सांभर इडली बनके हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब सर्व करते हैं इसको, लेके चलते हैं इसके डैडी के पास में और इलियान के पास में, बच्चों को सबर नहीं हो रहा है तो लेके चलते हैं इसको। ढंग से बता कैसे बना, झूठ मत बोलना बिल्कुल जी, तो टेस्ट करना फिर। किचन की सफाई मैंने पूरी कर दी है, और सारे बर्तन भी धो के वॉश करके रख दिए हैं, बस पूरा साफ कर दिया मैंने किचन, बस एक दो बर्तन चाय का बचा है उसको धोना है, बाद में धोऊंगी, चाय बनेगी सही। तो बस है ना, अब है ना खाना वाना हो चुका है हमारा, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ अदा करने, अब मैं ना वज़ू बनाने जा रही हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और सुल्तान गया है डैडी के साथ और एलिफी गई है इसके डैडी के साथ में कुछ सामान लेने खाने पीने का, तो बस अब चलते हैं। और वज़ू हमारा इधर बना हुआ है जहाँ पर वज़ू बनाते हैं हम, मैंने स्पेशली इसको बनवाया था कि वज़ू बनाने के काम आएगा, तो वज़ू बनाने काम आता है, कपड़े वॉश करने के भी काम आता है, दो तरीके से काम आ जाता है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ ये वाला एरिया हमारा वज़ू का है, ये वाला, तो अभी ना नल है ना अजीब से लगे हुए हैं, इसमें दूसरे लगवाएंगे, और
बस यहाँ पर वजू बनता है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, बच्चे हैंड वॉश वगैरह कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर प्लांट लगा दिया है, यहाँ पर ट्री लगा दिया मैंने इसके पास में भी, बाथरूम के पास में भी। तो बस अब मैं वजू बना लेते हैं जल्दी से, नहीं तो टाइम निकल जाएगा क्योंकि अभी बच्चे अजान हुई है ना। तो ये नमाज़ पढ़ने का इतना अच्छा इंस्टेंट हिजाब है कि आपको बस इसको है ना कवर करना है अपने हेड पे, और आराम से इसमें हैंड स्लीव्स भी आएंगी, अगर चाहें तो आप हैंड स्लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हाथ नमाज के टाइम पे अंदर करने पड़ते हैं, डेट्स व्हाई। और मैं पूरा पढ़ लेती हूँ उसके बाद मैं हैंड निकाल लेती हूँ अपने, बहुत ही अच्छा। मैं किसी वीडियो में प्रॉपर बताऊँगी आपको ये वाला हिजाब, तो पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं फिर मिलते हैं। पी तो गया फूल हो क्या, आप मुझे प्ले इसमें रख दो बेटा, मैं वो पढ़ रही हूँ ना फिर मैं पी लूँगी, है ना, ये भर के रख जाओ आप, तो बस ये आपके ले जाओ, बस अप्पी को रिप्लाई किया आपने, अप्पी को ही पिला दो ना। देखो बस ये अपनी बाइक ठीक करने में लगा हुआ है आजकल, क्योंकि आजकल ये स्कूल नहीं जा रहा है, बस सुबह 8 से 10 जाता है ना, कल तो जाना है 8 से 10। तो बस अभी है ना मैंने है ना असर की नमाज अदा की है, और अब मैं खाने जा रही हूँ चाय बटर और ब्रेड। बाहर का व्यू, शाम के भी टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं अभी, ये वाला जो बटर है ना ये लेके आए इसके डैडी, काफ़ी टेस्टी है, मतलब सुल्तान को इतना पसंद था, अहमदाबाद जाता था ये, मुंबई जाता था ना, तो वो बोलता था कि मस्काबन खाऊंगा, तो इस बार मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। एक आपको घर की खासियत बताती हूँ, नंबर वन टिप मेरे तरफ से, कि अगर है ना बच्चे उठ जाएँ सो के, तो सबसे पहले आप है ना अपना बेड बनाएं, बेड बनाने से क्या होगा कि आपका रूम बहुत साफ़ सुथरा लगेगा। तो बस मैं यहाँ पर बेड बना लेती हूँ जल्दी से अपना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बस मगरिब की अजान होने वाली है, बस उससे पहले पहले अपने ना पूरा जिन्होंने गुड्डे फैला रखे हैं वो सारे ब्लैंकेट लेके आ चुके हैं, बेड चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, तो सोने से पहले बस ये सारा काम कर लेती हूँ, फिर एकदम रूम की साफ़ सफाई लगेगी इससे, बेड को सही करने से, सिर्फ बेड को सही करने से। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको क्लीन, और इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग भी एंड कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।